मेरे प्यारे और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर जो मुझे आइडिया भी देते हैं और सुझाव भी देते हैं, और यहाँ तक कि जो उनका रिक्वेस्ट होता है वो मेरे लिए ना मतलब होता है ना कि जो तरक्की का रास्ता खोलता है वो वाला गेट हो जाता है दरवाज़ा। तो आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, साथ ही मुझे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, तो ये वाली नथिया जो है ना उसकी चैन मैं निकाल ली हूँ। वैसे इस तरह से नथिया को जैसे मैं पहनकर अभी दिखाई, किसी और दिन वीडियो लाकर जरूर दिखाऊंगी, मतलब सिप्टम रिंग के जगह पहनकर। यहाँ पे जो उसकी चैन है ना और उसकी ये जो कड़ी है, तो उसको साथ में मैं फिक्स करके तब बहुत ही बड़ी सी इयररिंग्स वाले में पहनूंगी। तो आपने मुझे एक सुझाव दिया आपने कि मैम आप जो बहुत बड़ी सी जो ईयरिंग्स है जिसको मैं नाक में ऐसे ही केवल बाली के तौर पे पहनी थी, ये वाला, तो इसके साथ आप चैन वेयर करिए। तो आज मैं चैन वेयर कर रही हूँ। इसके साथ मेरी ऑलरेडी दो वीडियो जा चुकी है, एक तो अनबॉक्सिंग के साथ पहनकर दिखाई थी और दूसरा ब्लू कलर की लिपस्टिक साड़ी मेकअप के साथ मैं आपको दिखाई थी। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साड़ी के साथ और ख़ासकर चैन लगा कर, यानी कि नोज रिंग में चैन लगा हुआ है उसके साथ मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको इस चैनल पे जैसे कि आप आए हैं, तो यहाँ पे इस चैनल पे लव गोल्ड होकर आने पे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी नथ है, कोई भी ईयरिंग है, कोई भी नोज पिन, वायर नोज पिन, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पहनना है, ठीक है, और कैसे खोलना है, और पहनने के बाद क्या लुक आता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लुक भी मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे कि अगर कोई नोज रिंग है तो आपका वो नोज रिंग या फिर नथिया जो भी है वो किस ड्रेस पे अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो भी नोज रिंग ये सब होती है ना वो आपको आइडियाज़ वगैरह देते रहती हूँ, कहाँ पर फिक्स करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हैं बेबी पिन से या फिर क्लिप से कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट करके देख रही थी कि आखिर ये कहाँ पे सूट करेगा। तो यहाँ पे आपको लिप्स भी देखना है कि बहुत ज़्यादा नाक भी खिंची हुई ना लगे या फिर नाक बहुत लूज़ भी ना लगे, और इसको उस अनुसार एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा बेबी क्लिप ले ली हूँ, मेरे पास छोटा दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ पर आज बड़ा ही ले रही हूँ। तो आप चाहे तो छोटा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बड़ा यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, जैसा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सामने ही फ्रंट में ऐसे ही लगा ले रही हूँ, लेकिन अगर आप जैसे इस तरह की नोज़ रिंग है आप अगर पहनते हैं तो इसको बहुत अच्छी पा के आपको क्लिप वगैरह लगानी है ताकि वो दिखे नहीं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये नोज़ रिंग मैं पहनी हूँ तो इसकी चैन आप देख सकते हैं बहुत ही तिरछे जा रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। और यहाँ पर मैंने बाल वगैरह भी सेट नहीं किए हैं, आप देख रहे हैं हाथों से बस पलट ली हूँ बाल को, और बाल कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। तो आज मैंने बालों में शैम्पू करके आज के वीडियो के लिए अपनी तैयारी करी है। तो आज मैंने जो साड़ी पहनी है वो है मेरी मम्मी की साड़ी, और जो एक साल से मेरे पास पड़ी हुई थी, और जब आई थी ना मेरी मम्मी पिछले साल तो ये साड़ी रख के गई थी कि तुम पहनना या फिर जब मैं आऊँगी तो पहनूँगी, तो मम्मी यहीं रख दी। लेकिन उधर बीच में एक दिन पहनी थी तो मुझे ब्लाउज नहीं आ रहा था मम्मी का, उसके बाद इधर बीच जब आज सोची ना कि इसको पहन कर ट्राई फिर से करती हूँ ब्लाउज़ को, और नहीं आएगी तो फिर मैं गोल्डन ब्लाउज़ पहन लूँगी। लेकिन इत्तेफाक से इसको जब मैं पहनी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था ब्लाउज़, लेकिन मैं इसको टाइट से पहन ली तो ये अच्छे से पहन भी ली, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना वैसे वैसे मैं इस ब्लाउज़ के साथ, इस साड़ी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और ये लुक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आप में होता है ना कि एक अलग सी खुशी होती है कि मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो अच्छी है। कभी 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 मुझे लगता है ना कि 10-20 वीडियो में ही एक आध दो वीडियो ऐसी होती है जो कि मेरे मन को अच्छी नहीं लगती है कि अरे इतनी भी अच्छी नहीं बनी है, इसको मैं अपलोड करूं या ना करूं, ये बहुत असमंजस रहता है। लेकिन कुछ वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, जैसे कि मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छी लग रही हूँ दूर से ही, और ये जितनी भी इस ड्रेस के साथ, इस साड़ी के साथ मैंने वीडियो बनाई है, मैं अपने भगवान की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने कहीं भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है। ये जो साड़ी के साथ मैंने मेकअप किया है वो भी बिना फिल्टर का मेकअप करी हूँ। इसके अलावा इसके साथ, इस साड़ी के साथ जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करी हूँ मैं, कोई भी फ़िल्टर नहीं यूज़ करी हूँ, बिल्कुल नो फिल्टर है। आप देख सकते हैं मेरा जो
रियल का जो स्किन है, रियल का जो साड़ी का कलर है वो कैसा लग रहा है। ऐसे देखा जाए तो फिल्टर लगाने के बाद ना थोड़ा सा जो कलर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो के आता है, जैसे कि लिपस्टिक हो या आईलाइनर हो या साड़ी का कलर हो, थोड़ा सा चटक कलर आता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे गोदरेज के पास ना काफ़ी सारे चिपके हुए हैं फ़ोटो। जब भी मैं बनारस में मतलब गंगा घाट घूमने वगैरह जाती हूँ तो फ़ोटो क्लिक ज़रूर कराती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फ़ोटो खिंचाना, और यहाँ चिपका देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। हाँ, बताना चाहूँगी कि इसकी जो आप सोच रहे होंगे कि अरे मैम ने तो बैक कैमरे से दिखाया नहीं, तो कुछ वीडियोज़ जो है ना मैं अपने सेकेंड यूट्यूब चैनल निर्मल नोज रिंग के लिए बचा के रख ले रही हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे जाए, मेरे सेकंड चैनल का नाम है निर्मल नोज रिंग, तो आप वहाँ पे जाइए और मेरी वीडियो को देखिए। वहाँ पर मैं बैक कैमरे से ही केवल वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, आपकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं नथिया को पहन ली हूँ जो कि आपने बताया वैसा ही। अगर कुछ कमी होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर फिर से बताइएगा कि और क्या करूँ। वैसे एक रिक्वेस्ट आया है कि मैं डार्क ब्लू कलर का आई मेकअप बोल्ड लिपस्टिक फिर से करूँ, वो भी ब्लेज़र के साथ, तो जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। और वैसे आपको और क्या आइडिया है मुझे बताएं। थैंक यू।